क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आज की क्लास में देखेंगे। तो पहला है आपका पब्लिक इंटरप्राइज। तो आप लोग पहले, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिजनेस क्या होता है। हाँ, तो बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस में एक या एक से ज्यादा लोगों के द्वारा एक एक्टिविटी की जाती है जिससे कि वो प्रॉफिट गेन करते हैं। ओके, जैसे अभी तक आप लोगों ने जो भी सुना होगा, तो क्या होता है कि बिजनेस में लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं। वो बिजनेस एक या एक से ज्यादा लोगों के द्वारा चलाया जा सकता है। तो पहले क्या था कि जो बिजनेस एक्टिविटी होती थी वो कुछ लिमिटेड ही रहती थी, और जो लोग किसी अगर एक्टिविटी को एज एन बिजनेस ले रहे हैं तो वो उसमें क्या क्या देखते थे कि हम जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं उसके लिए जो भी हमको रॉ मटेरियल है वो हमको इजिली अवेलेबल होने चाहिए। मार्केट जो है नियर होना चाहिए, हमको स्किल्ड लेबर इजली अवेलेबल होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है पहले लोग जो इंटरप्राइज या फिर किसी भी बिजनेस को एक्सेप्ट करते थे या फिर किसी भी एक्टिविटी को एज अ बिजनेस लेते थे। ओके, वो लोग ऐसी चीजों में नहीं जाते थे जहां पर कि अगर जो प्रॉफिट लेना है तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो। मतलब कि मान लीजिए हम 100 रुपए लगा रहे हैं और हमको 100, सिर्फ उससे हमको 120 रुपए मिल रहा है, मतलब 20 रुपए का ही सिर्फ आमदनी हो रही है। ओके, तो कहाँ इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। लोग ऐसी एक्टिविटी में जाते थे जहां पर कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो। ओके, या फिर ऐसी एक्टिविटी में नहीं जाते थे जहां पर कि हमको प्रॉफिट बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद में मिले। ओके, वो लोग ऐसा बिजनेस जनरली एक्वायर करते थे या ऐसी एक्टिविटी में जाते थे जहां पर उनको कम समय में ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ओके, तो ये सब चीजें क्या है, पहले लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को कैरी आउट करते थे या बिजनेस को चलाते थे। तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि अगर लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो काफी सारी सेक्टर्स हैं जो कि अनछुए रह जाएंगे, जहां पर कि लोगों जहां तक कि लोगों की पहुंच नहीं हो पाएगी, जहां के प्रोडक्ट लोगों को नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो जो भी छूटी हुई चीजें थी, जैसे मान लीजिए कि हमारा बैंकिंग सेक्टर हो गया, ओके, रेलवे सेक्टर हो गया, और जैसे माइनिंग का हो गया या फिर कोल इंडस्ट्री हो गई। ओके, इन सब चीजों में क्या होता है, बहुत ज्यादा एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, हो सकता है कि आपको लॉस भी बहुत जल्दी हो जाए। तो क्या इन सब ऐसे जो एक्टिविटीज थी, ऐसे जो बिजनेस थे, उसमें गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगाया। ओके, तो क्योंकि अब उसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है, जो जो पब्लिक होती है, जो टैक्स देती है, जो फीस देती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स फीस, इन सब से क्या है गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, और गवर्नमेंट वही पैसे जो है उस बिजनेस में लगाती है। ओके, तो पैसा किसने दिया, पब्लिक ने दिया। लगाया किसने, गवर्नमेंट ने लगाया। गवर्नमेंट में कौन लोग बैठे होते हैं, जो कि पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, इसीलिए ये भी जो जो ये इस टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है, इस टाइप के जो भी इंटरप्राइज होते हैं, इनको पब्लिक इंटरप्राइज कहते हैं। ओके, तो आप लोग जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन में देख सकते हैं, अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में बी डिफाइंड एज एनी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई जिससे कि कुछ उत्पादन किया जाए, ओके, जिससे कि कुछ मुनाफा लिया जाए, कुछ आमदनी हो, या फिर कुछ इंडस्ट्रियल हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि कोल इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री हो गई। ओके, तो इन जो कि इस टाइप की जो भी एक्टिविटी है जो कि पब्लिक के, सॉरी पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, उसको मैनेज किए जाते हैं। ओके, तो इस टाइप के जो भी एक्टिविटी हो गई वो पब्लिक सेक्टर या फिर पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर में आ जाएगा। ओके, और पब्लिक गवर्नमेंट इसको क्यों करती है, जिससे कि एक सोशल वेलफेयर के लिए करती है। ओके, मान लीजिए कि अब क्या कहते हैं कि जैसे ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका मेन काम क्या है, जो भी हमारे गैस से, या फिर गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि उसमें इन लोगों का, इन सब का क्या काम है कि जो भी हमारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं, पेट्रोल है, डीजल है, या फिर इस टाइप की जो उत्पाद है, ये लोगों को सब्सिडाइज रेट पर पहुंचाना। मान लीजिए यही अगर कोई एक प्राइवेट कंपनी ले लेती है तो वो क्या कहेगी, वो तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा के लिए अपना काम करेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा रेट पर उसको बेचने की कोशिश करेगी जिससे कि ज्यादा मुनाफा हो जाए। तो क्या होगा, सभी लोगों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाएगी। और वहीं पर ये हमारी जो पब्लिक इंटरप्राइज है, ये इन सब चीजों को पूरा
कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पर, ओके, जैसे वो लोग जो भी उसका एक सोर्स है वहां से ज्यादा पैसे पर लेती है, उसको फिर प्रोसेस करके कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पर जो है लोगों को उपलब्ध कराती है। तो ये हमारा एक पब्लिक इंटरप्राइज हो गया। ओके, अब इसके पब्लिक इंटरप्राइज के कैरेक्टर्स क्या क्या है सर? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज वो पब्लिक इंटरप्राइज होगा कि नहीं? क्या चीज? गवर्नमेंट कॉलेज जितना भी है? नहीं, कॉलेजेस अलग आ जाएंगे। ओके, पब्लिक वो इंटरप्राइज में नहीं आएंगे। ओके सर। सर इंटरप्राइज और कंपनी एक ही चीज हुआ सर? हाँ, एक ही चीज होगी। ओके ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, मतलब जो भी हमारे पब्लिक कंपनी होती है या फिर पब्लिक इंटरप्राइज होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर आपका हो गया ओन्ड बाई गवर्नमेंट, ओन्ड एंड मैनेज बाई गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा है और जो पैसा है वो गवर्नमेंट यूज कर रही है, और गवर्नमेंट के द्वारा ही ये इसका ओनरशिप होता है और इसका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के ही द्वारा होता है। तो ये पहला कैरेक्टर है इसका कि जो भी पब्लिक इंटरप्राइज होते हैं वो ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट होते हैं। ओके, अब क्या है कि ओन्ड एंड मैनेज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हिस्सा के द्वारा ही वो ओन की जाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा कंपनी इस्टेब्लिश किया है जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए हो, तो वो भी पब्लिक इंटरप्राइज में भी आएगी। ओके, तो ऐसी कंपनियां भी होती हैं, ऐसे भी इंटरप्राइज होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है या फिर दोनों मिलकर भी उसको चला सकती हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंटरप्राइज है उसमें 70% जो पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा है और 30% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का लगा है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर उसको चलाएंगे। देन कंट्रोल मैनेजमेंट एंड ओनरशिप प्राइमरली विद द गवर्नमेंट। और मान लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आप एक देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, पीपीपी मॉडल होता है। ओके, जैसे आप रेलवे को देख लीजिए, उसमें क्या है आपका पीपीपी मॉडल काम करता है। उसमें मतलब क्या है कि कुछ पैसा गवर्नमेंट का भी लगा होता है, कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो भी पैसा लगा रहता है। तो ऐसे जो भी मॉडल होते हैं उसका भी जो भी ओनरशिप या फिर मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट के ही अंडर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ऐसा करती है कि उसके जितने भी ज्यादा से ज्यादा शेयर होते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाना ताकि वो अच्छे से चल सके, या फिर कोई भी किसी भी कंपनी का जो भी एक शेयर होता है उसको खरीद लेते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी जो पीपीपी के अंडर में चल रही, तो उसके मोर देन या तो 51% या तो मोर देन 51% शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास में रहते हैं। गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करती है कि 51 या फिर मोर देन 51% जो कंपनी के शेयर हैं वो उसके पास में ही रहें। अब उसका क्या फायदा होता है कि जो अगर मोर देन 51 या मोर देन या फिर 50 या 51 या तो मोर देन 51 शेयर अगर गवर्नमेंट के पास में है, तो उस कंपनी में जो भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जो हक होता है या फिर ओके, वो सारा पावर गवर्नमेंट के पास में रहता है। मतलब है कि जिसके पास सब ज्यादा ज्यादा शेयर्स होंगे अथॉरिटी उसी के पास में रहेगी। तो गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करती है कि ज्यादा ज्यादा शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के ही पास में रहें। ओके, तो ये एक कैरेक्टर है आपका कि जो भी गवर्नमेंट इंटरप्राइज होते हैं वो उनका ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट का ही होता है। देन नेक्स्ट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स। अब मैंने क्या बताया था कि इस टाइप की जो भी कंपनीज होती हैं उसमें पैसा कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाता है। और गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलता है? जो भी पब्लिक जो भी टैक्स देती है और जो भी फीस देती है। ओके, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो भी आप मान लीजिए एक आपने कुछ बिस्किट खरीदा जिसका कि दाम जो है 50 रुपये है। ओके, तो उस 50 रुपये में क्या है, कुछ पैसा जो है जो आपका प्रोड्यूसर उसको जाएगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कुछ ये सब टैक्स लगाकर उसका जो है एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस 50 रुपीज फिक्स की जाती है। तो इसमें से जो भी मान लीजिए उस 50 रुपए का 10 रुपए जो पोर्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को गया, तो अब क्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस 10 रुपए को किस काम में लगाएगी? इन्हीं सब कामों में लगाती है। उससे जो है रोड का निर्माण होता है, आपके डैम्स का निर्माण होता है, पुल्स का निर्माण होता है। ओके, या फिर वो कुछ इस टाइप के कंपनीज बनाती है जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो सके। ओके, इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गैस अथॉरिटी,
ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब कंपनीज हैं आपकी जो है फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स हो गया। ओके, देन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब क्या पब्लिक इंटरप्राइजेस आर गवर्न्ड बाय पब्लिक पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर क्या होता है कि लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की वो बॉडी होती है जो लॉज को बनाती है। ओके, तो क्या है कि मान लीजिए अब कोई पब्लिक इंटरप्राइज, गवर्नमेंट ने कोई कंपनी बनाई या फिर कोई इंटरप्राइज बनाया और उसके पॉलिसीज को जो है सेट किया। ओके, उसमें कुछ गड़बड़ है या फिर मान लीजिए कंपनी सही से वर्क नहीं कर रही, तो क्या वो जो कंपनी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और उससे जो सवाल जवाब पूछने का हक होता है वो पब्लिक को होता है। पब्लिक को किस तरीके से होता है कि जो गवर्नमेंट, जो राज्यसभा या लोकसभा में जो लोग बैठे होते हैं वो कहाँ, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं ना। तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन जो है पब्लिक ही पूछ रही है। नेक्स्ट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, इसमें क्या है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंसंट्रेट ऑन प्रोवाइडिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए रेलवे हो गया, ओके, पोस्टल सर्विसेज हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ये सब सर्विसेज जो है हमारी गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों, जो भी हम फंड देते हैं, जो भी पैसा देते हैं उससे आता है, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो गई। ओके, अब क्या है इसका एक कैरेक्टर और है कि एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज। देखिए ये जो भी कंपनीज चलती हैं वो पूरी की पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। जो भी कंपनीज एक्चुअली क्या है कि जो भी आपकी कंपनीज बनती है ना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी बने या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बने, तो जब एक पहले था 1956 एक्ट था, उसमें क्या था कुछ नियम्स बनाए गए थे कि अगर आपको एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे आपको क्या फॉलो करने हैं, कैसे उसके नॉर्म्स बनाने हैं। ओके, तो अगर किसी को कोई कंपनी फॉर्म करनी होती थी तो उस जो एक्ट है 1956 उसके हिसाब से करता था। अभी क्या है उस एक्ट में कुछ सुधार किया गया है 2013 में, तो वो अभी 2013 एक्ट हो गया है। ओके, तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई एक कंपनी, पब्लिक इंटरप्राइज या फिर पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो है इस्टेब्लिश की, तो उस कंपनी को इस्टेब्लिश करने में जो 2013 के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट को वो पूरे फॉलो करने पड़ेंगे एज इट इज़। ओके, तो उसमें क्या है कि क्योंकि अब गवर्नमेंट है वो कोई भी स्टेप छोड़ नहीं सकती है कि हम इस स्टेप को जंप करके सीधे नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएं। ओके, सारे ऑपरेशंस को जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो क्या है ये काफ़ी एक सेंसिटिव केस हो जाता है। ओके, तो क्या है कि काफ़ी सारे उसमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक कैरेक्टर है कि जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज बनती हैं उसमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं देनी पड़ती हैं। ओके, अब क्या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज कितनी टाइप के होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि मेनली तीन टाइप के पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइज होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरस्टैंडिंग, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, देन कंपनी ओवरटेकिंग होता है, इस टाइप का होता है। ओके, तो फर्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है, जैसे आपने क्या सुना, मिनिस्ट्री सुनी होगी, सबने मिनिस्ट्री सुनी है ना? यस सर। हाँ, मिनिस्ट्रीज क्या होती हैं? किसी को आइडिया क्या होता है, क्या होती है मिनिस्ट्री? डिपार्टमेंट टाइप का सर, डिपार्टमेंट। ओके, और कोई? जो गवर्नमेंट है, जिसकी गवर्नमेंट है सर। ठीक है, मान लीजिए जैसे सेंट्रल में एक गवर्नमेंट है, ओके, तो उस गवर्नमेंट को तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम है, हाँ, उसको तो रेलवे भी देखना है, एग्रीकल्चर भी देखना है, ओके, और मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का हो गया वो भी देखना है, फाइनेंस भी देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, ओके, जो फॉरेन अफेयर्स रहते हैं वो भी देखना है, डिफेंस भी देखना है। तो क्या करता है गवर्नमेंट, क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री नाम दे दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया। ओके, तो क्या है उन्होंने क्या किया, इन सब सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए और उनको नाम दे दिया मिनिस्ट्री। अब जिस मिनिस्ट्री का जो काम है वो वही करेगी, ओके, वो उससे अलग काम नहीं कर सकती। तो क्या है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है उसी मिनिस्ट्री का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है,
उस एक्सटेंडेड वर्जन का काम क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करना कुछ, ओके और तो जैसे मान लीजिए कि आप एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे थी, उसने क्या किया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू जो है रेलवे इंटरप्राइज या फिर रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, और वो क्या हो गया, उसका काम क्या हो गया कि जो भी कम क्या कहते हैं सस्ती दरों पर लोगों को सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराना, ओके तो ये जो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये पब्लिक सेक्टर का ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुराना फॉर्म यही है, ओके सबसे पहले यही डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है यही सबसे पहले जो है इफेक्ट में आया था। अब क्या है कि इसका कंट्रोल किसके पास में रहता है, ओके तो मान लीजिए कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के की किसी मिनिस्ट्री से आया है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, ओके तो कहाँ पर थे हमने, उसके बाद फंडिंग की बात करनी थी हमको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, ओके तो अब जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो क्रिएशन है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के अंदर में जो मिनिस्ट्री होती है उसका ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, तो जाहिर सी बात है इसको फंड कहाँ से मिलेगा, जो भी जो एवरी जो जो क्या कहते हैं फाइनेंस बजट होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंस बजट में जो भी बजट निकाला जाता है, गवर्नमेंट जो बजट अनाउंस करती है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, तो उसमें से कुछ फंड जो है इस टाइप के जो आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो इंटरप्राइज होते हैं उनके लिए भी बजट एलोकेट किया जाता है, तो ओके तो ये जो बजट हो गया इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ओके देन अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अब क्योंकि देखिए ये एक इंटरप्राइज है, इसमें जो भी काम होता है उससे कुछ या तो प्रॉफिट होता है, मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ लॉस ही सही होता है, ओके लेकिन अब वो प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर लॉस कितना हुआ है उसको जानने के लिए टाइम टाइम पर इसका ऑडिट भी किया जाता है, ओके तो क्या हो गया, इसका एक फीचर है ये कि जो आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिट है इसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिट भी होता है, ओके अब इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो क्योंकि ये भले ही एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है लेकिन है तो गवर्नमेंट का ही के द्वारा ये फॉर्म किया गया, ओके तो इसके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहते हैं, ओके मान लीजिए जो पोस्ट ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय हो गए वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, रेलवे में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अब इसका कंट्रोल किसके पास में रहता है, तो इसका पूरा कंट्रोल जो है जो मिनिस्ट्री होती है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर में वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इंटरप्राइज काम कर रहा है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस मिनिस्ट्री के अंडर में होता है, मान लीजिए जैसे अब रेलवे हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसका कंट्रोल उसके ऊपर हो गया, जो पोस्टल है हमारा पोस्टल एंड टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल एंड टेलीग्राफ जो भी है उसके अंडर में काम करता है, ओके तो ये आपका जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया। नेक्स्ट इसके अब मेरिट्स क्या क्या होते हैं, ओके तो फर्स्ट है कि क्योंकि ये एक इंटरप्राइज है तो या तो इससे कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस हो गया होगा, तो जो भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा है, ओके तो रेवेन्यू इसका एक जो मेरिट है ये रेवेन्यू जनरेट करना होता है, जिस और इसका जो भी मान लीजिए रेलवे से जो भी प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए फंड कहाँ से मिल रहा था, डायरेक्ट गवर्नमेंट से ही मिल रहा था, तो जाहिर सी बात है इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो भी गवर्नमेंट के ही अंडर में जाएगा, ओके देन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है इसकी, ओके मान लीजिए इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, लॉस होता है तो पब्लिक क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये क्यों हुआ, इसका ऑपरेशन सही से क्यों नहीं हो रहा है, ओके या फिर जो भी पैसा है इसका लॉस हुआ तो फिर कहाँ गया वो पैसा, कैसे लॉस हो गया, ओके तो ये सब क्वेश्चन कौन पूछता है, जो भी हमारे लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं जो कि पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं जो
ओके मान लीजिए जो अपोजिशन में जो पार्टी है उसके भी, वो भी उसके भी ऊपर कुछ जो लीडर्स होते हैं वो पब्लिक के द्वारा ये इलेक्ट होते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट से पूछती है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है उससे कोई क्वेश्चन पूछती है. ओके देन अब क्या है, इसका एक एडवांटेज है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी बनी रहती है. मान लीजिए अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ओके तो उसका क्या काम होता है, डिफेंस की जो भी चीज़ें होती वो उसको हैंडल करना होता है. अभी अब क्या है, अगर वही चीज़ें अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए तो जाहिर सी बात है कि आपने क्या है अपना पूरा डिफेंस, आपका जो भी पूरा मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म है वो किसी दूसरे के हाथ में दे दिया. किसी कंट्री ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, ओके तो क्या है कि, और मान लीजिए उस कंट्री ने जिसने आप पर अटैक किया है उसने उस आदमी को अपने पास में उसको क्या कहते हैं उसको फेवर में ले लिया, ओके आपके जितने भी सीक्रेट्स थे उसने जान लिए, तो क्या है जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी के ऊपर ये अटैक करके उसे अपने कब्जे में लेने के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा. तो क्या है जो भी डिफेंस का सेक्टर है वो गवर्नमेंट ने इसीलिए अपने पास में रख लिया. तो क्या ये एक, इसका एक मेरिट ये भी है कि इससे जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट के पास में रहते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी या फिर इंडिविजुअल के हाथ में नहीं जाते हैं. ओके नेक्स्ट इज कंट्रोल. अब क्या इसका कंट्रोल किसके पास में रहता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करती है. ओके पार्लियामेंट में कौन रहते हैं, वही लोकसभा और राज्यसभा के जो नामित लीडर्स रहते हैं वो लोग इसको कंट्रोल करते हैं. ओके जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इंटरप्राइज है उसका जो भी परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट सब भेजी जाती है, वो पार्लियामेंट के पास में भेजी जाती है, बोथ हाउसेस में, लोकसभा में राज्यसभा में. ओके फिर उसका ऑडिट किया जाता है कि अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, बुरा हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किस चीज़ को निकाल देने से हम प्रॉफिट में जा सकते हैं. ओके तो इसका जो कंट्रोल रहता है वो गवर्नमेंट के पास में रहता है. नेक्स्ट इज अब जैसे मान लीजिए कि कुछ मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे. ओके और यहाँ पर एक चीज़ और है, हो सकता है कि आपको इसमें कुछ कुछ जगहों पे मेरिट्स में कोई एक पॉइंट मिले और हो सकता है वही पॉइंट आपको डीमेरिट में भी मिले. ओके तो ऐसा क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि सर ये तो मेरिट था अभी डीमेरिट कहाँ से हो गया. तो इसमें चीज़ क्या है कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं जो भी पॉइंट है. ओके हो सकता है मेरिट में उसका एक्सप्लेनेशन आप दूसरी तरीके से करें तो वो उसको एक मेरिट के जैसा लगे, और वही चीज़ अगर डीमेरिट में आ जाती है तो उसका एक्सप्लेनेशन आप बदल देते हैं. ओके और जितने भी हमारे ये बिजनेस सेक्टर के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ओके उसमें क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा होता है. कैसे होता है कि थ्योरेटिकल आप देखें, ओके थ्योरी में कुछ और होगा और प्रैक्टिकली अगर आप उसी को करने जाएं तो हो सकता है वो डीमेरिट जो है आपका मेरिट हो जाए या मेरिट डीमेरिट हो जाए. ओके तो ये ऐसा कुछ आपको आगे देखने को मिल सकता है इसमें. सो नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तो क्या है रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या होता है? हेलो धांधली सर. धांधली ओके और ठीक है अच्छा रेड टेपिज्म मतलब होता है एक लाल फीताशाही कहते हैं उसको. मतलब कि क्या है कि आपको कुछ काम करने के लिए नामित किया गया है और वो काम करने के लिए आपको सैलरी दी जा रही है. ओके लेकिन अब क्या है वो अब जैसे क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है मोस्टली पहले होता था, अभी तो कुछ कम हो गया लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिस होती है. आप अपनी फाइल ले गए बाबू के पास में. ओके वो फाइल क्या है बाबू को साइन करके आगे बढ़ानी है और वो बाबू या क्लर्क क्या कहेगा पैसे इसके लिए कुछ खर्चा पानी दो उसके तब हम फाइल आगे बढ़ाएंगे. खर्चा पानी का मतलब क्या है, वो चाहे कोई ना मांग रहा है, वो कह रहा है कि कुछ हमको पहले इसके लिए पैसे दीजिए तब ये फाइल जो है आपकी आगे बढ़ेगी. ओके तो यहाँ पर क्या है करप्शन आ रहा है उसको उस जो फाइल साइन करके आगे बढ़ानी थी उसके लिए तो गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है ना, लेकिन वो सैलरी उसके ऊपर भी आपसे पैसा मांग रहा है. ओके तो वो क्या है करप्शन आ गया. तो यहाँ पर क्या है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें अब करप्शन का क्या है, देखिए अगर आप कहने को कहें तो करप्शन तो जो आपके बिजनेस प्राइवेट बिजनेस सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर भी करप्शन आ गया है. ओके तो गवर्नमेंट में तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है,
तो ये चीज है डिपार्टमेंट अंडर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो है रेड टेपिज्म या फिर करप्शन जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो आ गई हैं. ओके देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ओके अब क्या है कि मिनिस्ट्री से निकली हुई चीज है. ओके मिनिस्ट्री किसके अंदर में है, गवर्नमेंट के अंदर में है. तो फिर मान लीजिए कि कोई भी हो गया, अब जैसे मान लीजिए कि रेलवे का है. ओके वहाँ पर किसी पॉलिटिकल लीडर को अपने चाचा भतीजे ताऊ को जॉब दिलवानी, तो क्या करेगा वो सीधा उसको, क्योंकि वो तो भाई लीडर है. ओके वो अपना सोर्स या सिफारिश का इस्तेमाल करेगा और उसको दिला देगा. तो यहाँ पर क्या होता है, और जो भी रेलवे के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर हमेशा एक गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है. और मान लीजिए ऊपर से कुछ प्रेशर आ गया तो उनको वो करना ही करना है. ओके मान लीजिए अब क्या हो गया कि मान लीजिए किसी आदमी को उनको सेलेक्ट करना है एक जॉब के लिए, दो लोग हैं. अब क्या है, अच्छा तो यही होगा कि जो एलिजिबल है जो क्वालिफाइड है आप उसको सेलेक्ट कीजिए. लेकिन मान लीजिए एक बंदा उसमें से ऐसा आ गया जिसके जिसका कोई पॉलिटिकल अप्रोच है. ओके और किसी नेता ने फोन कर दिया तो क्या हुआ, अब जो बंदा क्वालिफाइड था उसको छोड़ के मजबूरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको जो सोर्स सिफारिश आया उसको अपॉइंट करना पड़ेगा. अब उसको अपॉइंटमेंट आपने दे दिया क्योंकि वो सोर्स सिफारिश से आया है, वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं था, उसके लिए एलिजिबल नहीं था, तो क्या वो सही से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना. तो यही है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो भी हमारे इंटरप्राइज होते हैं वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत होता है. ओके देन इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स. ओके अब इन कंज्यूमर नीड्स पर क्या हो गया, अरे भैया कंज्यूमर. ओके कंज्यूमर नीड्स क्या है, अब मान लीजिए जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं. ओके वो क्या है, खुद को चेंज करती रहती है किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड. ओके मार्केट में जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है वो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगी या फिर क्वालिटी को ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाएंगी जिससे कि उनका प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो सके, मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहे, ज़्यादा उसको लोग खरीद सकें. लेकिन अब क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, उसको फंड गवर्नमेंट से मिल रहा है. ओके उसको इस बात से कोई इतना सरोकार नहीं होता है कि हमको प्रॉफिट ही दिखाना है. ओके तो जब क्या है कि आपको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हमको प्रॉफिट ही दिखाना है या फिर हमको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो क्या है कि आप मार्केट के हिसाब से काम नहीं करोगे. अब मान लीजिए एक जैसे एक इंटरप्राइज है एक, ओके उसने क्या है, वो पहले पेन बनाती थी, एक कंपनी वो पेन बनाती थी. ओके फिर मार्केट में ऐसा क्या कहते हैं कि कंज्यूमर्स आए, उनको मार्कर अच्छा लगने लगा, तो क्या है उस कंपनी ने पेन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करके मार्कर बनाना शुरू कर दिया. ओके तो क्या है, उसने खुद को जो है जो कंज्यूमर्स की नीड थी उसके हिसाब से ढाल लिया. लेकिन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में क्या है कि नहीं भाई हम पेन बनाते हैं आपको, हम पेन ही बनाएंगे, आपको चाहिए तो लीजिए नहीं तो कोई बात नहीं. ओके देन लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी. ओके जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं या फिर जो भी प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो अपनी जो उनका प्रोडक्शन होती यूनिट होता है या फिर जो भी उनका काम करने का तरीका होता है उसको अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज करती हैं. लेकिन जो भी हमारे अंडरटेकिंग के इंटरप्राइज हैं वो इतने फ्लेक्सिबली काम नहीं करते हैं. ओके उनको कुछ भी अगर छोटे से छोटा डिसीजन लेना होता है तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, फिर उस मिनिस्ट्री के पास में जाना पड़ता है वो, ठीक है तो वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं रह जाते हैं. देन नो इंडिपेंडेंट डिसीजन. ओके जैसा मैंने बताया कि उनको छोटा से छोटा डिसीजन लेना, मान लीजिए उनको 5-10 रुपए भी कहीं खर्च करने होते हैं तो उनको एक फाइल बनानी पड़ती है, उस फाइल को प्रोसेस करना पड़ता है. ओके और उसमें कितना टाइम लगेगा वो मतलब होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी नहीं लगता है. ओके तो क्या है कि वो अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं रहते, उनको गवर्नमेंट पर या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर जो भी हायर अथॉरिटी है उन पे हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है. ओके तो वो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया. नेक्स्ट आपका आता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. ओके अब ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होता है, मान लीजिए जो भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है. ओके तो जो भी हमारी पार्लियामेंट होती है, अच्छा आप लोगों ये आरबीआई तो आप लोगों ने सुना है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यस सर. हाँ yes. वो कैसे बनी थी किसी को पता है, आरबीआई सर बैंक का सबसे हेड होता है.
हाँ हेड तो होता है, वो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, वो कैसे मतलब कैसे बनी थी वो। ओके तो बताता हूँ मैं, जो पार्लियामेंट होती है ओके वो एक बिल लाती है और वो बिल जो है दोनों सभाओं में, लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगर वो दोनों सभाओं में पास हो जाता है तो वो एक, वो बिल क्या है, एक्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो आरबीआई है वो 1935 में एक एक्ट के अंडर में बना था, जिसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। ओके तो जो भी हमारे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती हैं वो एक एक्ट के थ्रू बनती हैं, और वो एक्ट कैसे होता है, पहले बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फिर जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो वो बिल ऑटोमेटिकली एक्ट हो जाता है, और उस एक्ट के अंदर में जो है आपके जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं। आपका आरबीआई हो गया ओके, एसबीआई हो गया, यूटीआई हो गया, ये इसी तरीके से फॉर्म किए गए थे। इनके लिए पहले बिल लाया गया था, फिर पार्लियामेंट में उसको पास कराया गया था, और पार्लियामेंट में पास होने के बाद में जो राज्यपाल होता, उप राष्ट्रपति होते हैं सॉरी, उनकी सिग्नेचर के बाद में वो एक्ट बनता है, और फिर वो एग्जिस्टेंस में वो बॉडी आती है। तो अब क्या क्या है, एक्ट डिफाइंस द पावर एंड फंक्शंस। अब क्या है, वो जो एक्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है कि ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बन रही है, मान लीजिए जो आरबीआई बना है, उसका क्या क्या पावर्स होंगी, वो क्या काम करेगा ओके, उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मान लीजिए आरबीआई बना तो इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो सभी बैंक्स को मॉनिटर करता है ओके। मान लीजिए किसी, अब जैसे आप बैंक में जाते होंगे तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे एसबीआई में गए, आप यूबीआई में गए, फिर पीएनबी में गए, तो देखते होंगे कि तीनों बैंकों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है ओके। तो आप लोग कहेंगे कि जब आरबीआई एक है तो हो सके उसने तो सबको एक ही इंटरेस्ट रेट देने के लिए कहा होगा ना, तो सब अलग अलग कैसे रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। आरबीआई है एक लिमिट दे देता है कि इतने से इतने के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट रखना है, इससे ना तो आप कम रख सकते हैं ना तो इससे ज़्यादा रख सकते हैं, तो उसके बीच में जितने आपके बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को रखते हैं ओके। तो यही है हमारा कहने का मतलब क्या है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कैसे बनता है, कि जब एक बिल को पार्लियामेंट में दोनों सभाओं के द्वारा पारित कर दिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति जब उसके सिग्नेचर करता है तो वो बिल एक्ट हो जाता है, एक्ट बन जाता है, और उस एक्ट के ही अंदर में जो भी हमारे कॉरपोरेशंस होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं, और उस एक्ट में क्या होता है कि ये चीजें डिफाइन की जाती हैं कि वो कॉरपोरेशन जो है कैसे वर्क करेगा, उसके क्या क्या पावर्स होंगी ओके। अब क्या है कि जैसा आपने पहले पढ़ा था कि जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही थी ओके। तो इसी तरीके से जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता है उसको इनिशियली जो है फंडिंग गवर्नमेंट करती है, मतलब अब कोई भी चीज आपको एस्टेब्लिश करनी है ओके, तो क्या है मान लीजिए आपको एक दुकान खोलनी है, आपके पास पैसे नहीं है ओके, तो आप क्या करेंगे, आप अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे कि हमको इस चीज की दुकान खोलने के लिए पैसे दे दीजिए, तो क्या है उस, अब आपके पास मम्मी पापा क्या करेंगे, ठीक है क्योंकि अभी तो तुमको एस्टेब्लिश करना है, हमारे पास पैसे नहीं है ओके, तो हम स्टार्टिंग में तुम्हारी हेल्प कर दे रहे हैं, लेकिन जब एक बार तुम्हारी ये दुकान मार्केट जो एस्टेब्लिश हो जाएगी उसके बाद हम तुमको कोई पैसा नहीं देंगे, फिर तुमको खुद से ही रेवेन्यू जनरेट करना होगा ओके, प्रॉफिट और लॉस जो भी तुमको खुद से ही देखना होगा। तो इसमें भी क्या था, जो भी हमारे अभी आगे आ रहा है तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। हाँ सर एग्जाम्पल दे रहे थे सर ये, हाँ घर मम्मी पापा के पास जाओगे ऐसा कुछ था। अच्छा वहां पर, अच्छा दुकान खोलने ओके, दुकान ओके, वहां से डिस्कनेक्ट हुआ था तो ठीक है यस सर ओके। जैसे मान लीजिए कि आपको एक शॉप ओपन करनी है लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप प्राइमरी स्टेज में हैं, तो आप क्या अपने पेरेंट्स के पास में जाएंगे फाइनेंशियल हेल्प करने की, मदद मांगने के लिए, तो क्या है आपके पेरेंट्स कहेंगे कि ठीक है अभी क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अभी तुम इसको स्टार्ट ही करने जा रहे हो, तो हम इस्टेब्लिश करने के लिए, सिर्फ इस शॉप को इस्टेब्लिश करने के लिए तुमको फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे, लेकिन
जब ये शॉप तुम्हारी एस्टेब्लिश हो जाएगी, जब तुम ये शॉप तुम्हारी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, उसके बाद हम तुमको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं देंगे, ओके। तो इसी तरीके से ये मान लीजिए जब भी ये जो RBI, SBI या फिर UBI जो इसका जो भी फॉर्मेशन हुआ था, तो इसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक का जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट ने दिया था, जो भी फंडिंग है वो गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन एट द मोमेंट दे स्टार्टेड वर्किंग, ओके, जब इन्होंने वर्किंग शुरू कर दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने अब क्या है कोई भी फंडिंग इनको नहीं करती। तो जो भी जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो फंड है वो गवर्नमेंट देती है, लेकिन आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट जब वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में उनको गवर्नमेंट कोई भी वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प कोई भी नहीं देती है। उसके बाद में उनको जो भी उनकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो भी खर्चे होते हैं, सैलरी के लिए जो भी होता है, ठीक है, वो क्या है उसके लिए उनको रेवेन्यू खुद से ही जनरेट करना होता है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट पर्सन एक्टिंग एज पर्सन, ओके। एक चीज और है कि ये जो भी आपके इंटरप्राइज या फिर जो भी बिजनेस एक्टिविटी या फिर जो भी बिजनेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि अब आपने कभी जैसे सुना होगा कि इस कंपनी को कुछ खरीदना है, ओके, तो क्या है कि कंपनी को खरीदना है तो मतलब क्या है, कंपनी को एक पर्सन होना पड़ेगा, तभी उसके नाम पे कुछ खरीदारी हो सकती है ना, लेन देन हो सकता है। जैसे कोई जमीन खरीदना होता है, कोई बिल्डिंग खरीदनी होती है, ओके, तो कंपनी के नाम पे खरीदी जाती है, ओके। तो वहां पर क्या है, एक एक्ट 1956 में था कि एक कंपनी होती है उसको एक पर्सन मान लिया जाता है। तो अब क्या है, मान लीजिए उस कंपनी को कोई कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, कोई जमीन खरीदना है, कुछ भी लेन देन का कुछ काम करना है, तो वो उस कंपनी के ही नाम पर होगा। और मान लीजिए कि अगर उस कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया है तो उस कंपनी पे आप केस भी कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज है उसमें, ये चीज जो भी आपका पार्लियामेंट में जो एक्ट है उसमें ये चीज बताया गया है कि जो आपकी एक कंपनी या फिर जो भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक इंटरप्राइज होता है, उसको एज अ पर्सन जो है देखा जाता है, ओके। अब क्या है कि यहाँ पर जो भी आपके स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, उनको क्या है, उनको पावर कहाँ से मिली होती है, गवर्नमेंट से मिली होती है, ओके। लेकिन वो अब उनका जो ऑपरेशन क्या होता है, वो क्योंकि उनको डे टू डे एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो ठीक है, तो वो उनका ऑपरेशन क्या होता है, फ्री होता है, वो गवर्नमेंट के लिए बाध्य नहीं होते हैं कि गवर्नमेंट उनसे कहे कि आप ऐसा करिए, तो वो उसके लिए बाध्य नहीं है कि उनको करना ही पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही होती तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कुछ कहती तो उनको करना ही पड़ता, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको पावर तो गवर्नमेंट से मिली है लेकिन काम वो अपने तरीके से करता है, ओके। तो ये हमारा हो गया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। कैसे बनता है कि एक पहले बिल लाया जाता है, फिर वो बिल को पार्लियामेंट में पारित किया जाता है, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में वो बिल जो है एक्ट बन जाता है, और उस एक्ट में जो भी हमारा कॉरपोरेशन या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उस एक्ट में उसको क्या करेगा, कैसे करेगा, उसकी फंक्शनिंग कैसी होगी, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारे डिफाइन होते हैं, ओके। देन इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया कि अब क्योंकि इसको डे टू डे एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट से पैसे लेने की जरूरत नहीं होती है, ओके, लेकिन आपने देखा था इससे पहले जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था उसको कुछ भी काम करने के लिए फंड कहाँ से लेना पड़ता था, गवर्नमेंट के पास से लेना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट से लेना पड़ा तो गवर्नमेंट कुछ कहेगी तो उसको वो करना ही पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट फिर उसको फंड नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्योंकि इसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, फंड गवर्नमेंट से ले नहीं रही है, ये अपने जो भी रेवेन्यू है खुद से जनरेट कर रही है, तो इसीलिए ये ऑपरेशनली फ्री है, गवर्नमेंट का इस पर कोई फोर्स नहीं रहता है, ओके। जो गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता या फिर बहुत ही कम रहता है। फिर क्या है, फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज। अब क्या है, इनका जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है ये बन गए, इसके बाद में इनको कैसे काम करना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके लिए ये फ्री होते हैं, कोई भी पॉलिसी बनानी होती है तो इसके लिए फ्री रहते हैं, इनको बार बार गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके।
देन सम पावर्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर बॉट ग्रांटेड, क्योंकि अब क्योंकि इनको ये कैसे बने, गवर्नमेंट में जो बिल पास किया था, जो बाद में एक्ट बना है उसके उसके अंदर में बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने इनको कुछ पावर दे रखी होंगी. ओके, तो क्या होता है कि इसका एक मेरिट ये भी है कि ऑपरेशनली फ्री होते हुए भी या ऑपरेशनली फ्लेक्सिबल होते हुए भी इनके पास गवर्नमेंट की कुछ पावर्स होती हैं जिनका कि ये यूज़ कर सकते हैं पॉलिसीज बनाने में या फिर कोई भी लॉ बनाने में. देन डीमेरिट्स क्या है, इसमें क्या है, डज नॉट इंजॉय दैट मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. अब क्या है कि मान लीजिए ये काम को स्वतंत्र रूप से कर रही है, इसको डे टू डे एक्टिविटी के लिए कोई भी गवर्नमेंट से पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है कि उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर में ही बनी हुई है, गवर्नमेंट के अंदर में ही काम कर रही है. गवर्नमेंट क्या है कि इसमें कुछ लोग होते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ लोगों को अपना एडवाइज़र बना के नियुक्त कर देती है. अब क्या है, क्योंकि वो एडवाइज़र गवर्नमेंट के थ्रू नियुक्त किया गया है, तो वो एडवाइज़र अगर इस कॉरपोरेशन को कुछ एडवाइस देता है तो उसको वो मानना ही पड़ता है. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको मानना पड़ता है. तो उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं शो करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है. ओके, अब यही तो जैसे कि इससे पहले आपने मेरिट्स में देखा था कि ये गवर्नमेंट ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो वहाँ पर क्या है हमने इसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट किया था. लेकिन अब सेम फ्लेक्सिबिलिटी डीमेरिट्स में भी आ गई तो हम इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं. ओके, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक आपका पॉइंट है वो मेरिट्स में भी आ सकता है, डीमेरिट में भी आ सकता है, बस चीज़ ये है कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं. ओके, देन करप्शन एग्जिस्ट क्योंकि ये पब्लिक के साथ में डील कर रही है, इसलिए इसमें जो भी होता है गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रही है, तो करप्शन इसमें भी ऐसा आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में जो है करप्शन नहीं होता है. ओके, देन एडवाइजर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कुछ एडवाइजर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है इलेक्ट किए जाते हैं, तो वो जब भी कोई एडवाइस देते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अंडर दीज एक्ट्स बनी होती हैं उनको वो मानना ही पड़ता है, तो ये उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहती हैं. ओके, देन नेक्स्ट आपका आता है ये थर्ड एंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक एंटरप्राइज या फिर पब्लिक सेंटर सेक्टर के अंदर में आता है, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी. ओके, क्या है कि इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, ये एक क्या कहते हैं कि कंपनी के रूप में काम करती हैं, और जैसे कि बाकी की प्राइवेट कंपनीज बनती हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1956 एक्ट है, पहले था बिफोर 2013 एक्ट. ओके, 2013 एक्ट क्या है, 1956 के एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, वो 2013 एक्ट है. अभी 1956 एक्ट है क्या कि आपको कोई भी अगर कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, वो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, ओके, उसको इस्टेब्लिश करने में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं. वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, 1956 का जो भी एक्ट है उसमें दिया हुआ है, उसको फॉलो करते हुए ही आप कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो उनको भी इन सब रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, जैसा कि आपने मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप जंप करके दूसरे उस पर चली जाएगी, उसको भी स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा, भले ही वो गवर्नमेंट है तो क्या हुआ. ओके, अब क्या है कि इसका कंट्रोल कहाँ किसके पास में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट, क्योंकि इस कंपनी को बना रही है तो गवर्नमेंट ही इसको चलाएगी. ओके, अब इसमें क्या है कि एक कंपनी होती है. ओके, कंपनी में क्या होता है कि उस कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं. तो जैसे आपकी प्राइवेट कंपनी हो गई, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स किसके नाम से खरीदे जाते हैं, जो भी उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी मेंबर्स होते हैं, या फिर मान लीजिए अगर वो कंपनी किसी एक पर्सन के द्वारा चलाई जा रही है तो उसके नाम पर ये जो शेयर्स बेचे या खरीदे जाते हैं. ओके, तो इसी तरीके से अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके शेयर्स जो हैं वो किसके नाम पे खरीदे जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे खरीदे जाते हैं. ओके, और मान लीजिए ये कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो स्टेट के अंदर में फॉर्म हुई है, तो इसके शेयर्स किसके नाम से खरीदे जाएंगे,
अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहे हैं, अगर स्टेट में चला जाएगा तो किसके नाम से होंगे, कोई आइडिया? हाँ ओके, अगर वो शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट, अगर कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में बनी है तो उसके शेयर्स जो है गवर्नर के नाम पे खरीदे जाते हैं ओके okay? और ऐसी जो भी कंपनी बनती है, जो भी गवर्नमेंट कंपनी बनती है, उनका 51 और मोर देन 51% क्या होता है, गवर्नमेंट के ही पास में होता है ओके okay? अब गवर्नमेंट के पास होने का क्या फायदा है कि अगर 51 या फिर मोर देन 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास में है तो उस कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का करने का जो भी पावर होता है वो कंपनी गवर्नमेंट के ही पास में होता है, मतलब कि जिसके पास में सबसे ज्यादा शेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा बलवान है, एक तरीके से वही उस कंपनी का मालिक है ओके तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा शेयर्स मान लीजिए अगर सेंट्रल की कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होते हैं, या फिर कभी कभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है शेयर्स को खरीद लेते हैं ओके तो ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी हो गई। देन उसके बाद इसके मेरिट्स क्या है, कंपनीज एक्ट विल बी फॉलोड, जैसा कि मैंने बताया कि है ये गवर्नमेंट है तो क्या हुआ, इसको भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी हमारे एक्ट हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है ओके चलना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि इस कंपनी को बनाने के लिए, जैसा कि इससे पहले आपने देखा था कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाने के लिए अलग से एक एक्ट निकालना पड़ा था गवर्नमेंट को ओके लेकिन गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए जो है अलग से इनको कोई एक्ट या फिर कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में पास नहीं करना पड़ता है, ये उस जो 1956 या फिर जो 2013 का एक्ट है उसको फॉलो करते हुए ही एक सिंपली गवर्नमेंट कंपनी बना सकते हैं ओके अब क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी एक कंपनी होती है उसको वो किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, कोई उसके ऊपर भी केस कर सकता है, तो यहाँ पर एक उसको एक अलग से पहचान दे दी जाती है, उसको एक पर्सन मान लिया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन, जो भी कंपनी होती है चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन या फिर इंडिविजुअल पर्सन मान लिया जाता है, और अकॉर्डिंगली ही अगर उसको मान लीजिए कोई शेयर्स या फिर कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके ही नाम पर वो खरीदी जाती है ओके नेक्स्ट इसका मेरिट्स है एंजॉयज ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन ओके अब क्या है कि कंपनी है इसमें इसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट से फ्री होते हैं, फिर वह मैं बोलूंगा कि अगर ये चीज मेरिट्स में आई है तो यही चीज डिमेरिट में भी आ सकती है। यहाँ पर क्या है कि अब मैंने बोल दिया कि जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनी है इसका गवर्नमेंट का क्या कहते हैं गवर्नमेंट से इतना इस गवर्नमेंट जो भी इसको डिसीजन लेने होते हैं उन डिसीजंस का गवर्नमेंट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट होता है 1956 या फिर 2013 उसके अंडर में ये कंपनी बन गई है ओके अब उसके बाद में इसको सेपरेटली वर्क करना है ओके लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको कुछ कह देगी या फिर गवर्नमेंट का इसके पास थोड़ा बहुत रोल तो होगा ही होगा ओके सो नेक्स्ट है हमारा इसमें मेरिट्स में गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस ओके अब क्या है कि ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि कई सारी कंपनीज जो है पहले से ही वर्क कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज हो गए किसी सेक्टर में, तो गवर्नमेंट को ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि वो एक अलग से कंपनी उतारे ओके तो क्या होता है कि मान लीजिए दो लोग हैं वो मार्केट में कोई चीज बेच रहे हैं ओके मान लीजिए हाँ दो लोग हैं उन्होंने मार्केट में एक पेन बनाकर निकाला, उस पेन की जो है ओरिजिनल कीमत मान लीजिए 10 रुपए है, लेकिन उन दो आदमियों ने समझौता कर लिया कि हम इस पेन को मार्केट में 100 रुपए में या फिर 200 रुपए में बेचेंगे ओके और उस मार्केट में और कोई नहीं है जो इस ये पेन बेच रहा हो, तो क्या है उन्होंने मोनोपोली कर ली, मतलब कि उन्होंने आपस में मिल करके तो ये प्रोडक्ट है उसका रेट जो उसका ओरिजिनल रेट है उससे बहुत ज्यादा रख लिया ओके
तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक गवर्नमेंट कंपनी उसी चीज को उसी प्रोडक्ट को के लिए उस पेन के लिए उतार दिया और उस गवर्नमेंट कंपनी ने उसका रेट जो है मान लीजिए उसका ओरिजिनल रेट 50 रुपए था तो 55 रुपए रख दिया, ओके 5 रुपए मान लीजिए गवर्नमेंट अपना कर रही है, तो क्या है अब लोग जो है 400 की चीज खरीदेंगे या 55 रुपए की खरीदेंगे? जाहिर सी बात है कम रेट में अगर उनको वही चीज मिल रही है तो वो उसको खरीदेंगे ना। तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, गवर्नमेंट जो भी मार्केट में जो एक इक्विलिब्रियम होता है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज को बनाया जाता है ताकि कोई भी कंपनी जो है माल प्रैक्टिस ना कर सके, अपना कोई भी मतलब वो एक मोनोपोली किसी भी सेक्टर में ना बना पाए। ओके तो इस चीज को रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट कंपनीज को जो है मार्केट में उतारती है। और दूसरा जो ऐसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कई सारी चीजें जो है गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध कराती है, अगर वही चीज अगर कोई प्राइवेट कंपनी कराए तो हो सकता है बहुत ज्यादा रेट उसका होगा, तो गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर इस तरीके से एक्ट करती है। ओके सो लास्ट है ये आपका डीमेरिट्स गवर्नमेंट कंपनीज के। ओके जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जिसमें जो मेजर शेयर होता है, मेजर शेयर 51% और मोर देन 51% किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो भले ही ये कंपनी सेपरेटली वर्क कर रही हो लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें इलेक्ट कर देगी। ओके और वो क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, तो वो किसकी बात मानेंगे, गवर्नमेंट की बात मानेंगे। ओके तो ज्यादा से ज्यादा इसके इसमें शेयर्स किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नॉट डायरेक्टली answerable to parliament। अब क्या है क्योंकि ये कंपनी है तो जो इससे पहले कि आपने जो भी देखे थे स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन है या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनकी एक जवाबदेही बनती थी पार्लियामेंट के लिए। ओके लेकिन ये कंपनी का पार्लियामेंट से कोई जवाबदेही नहीं होती, पार्लियामेंट इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकती कि अगर आप लॉस में जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, आप कोई गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ओके उसके बाद है कि मैनेजमेंट लाइज विद द गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि आइदर इट इज़ वर्किंग सेपरेटली बट क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्ट किए हुए हैं तो उनका जो मैनेजमेंट भी इस कंपनी का मैनेजमेंट भी जो है वो गवर्नमेंट ही एक तरीके से देखती है। ओके अगर गवर्नमेंट कुछ कहती है करने के लिए तो इनको फोर्स रहते हैं उस चीज़ को करने के लिए। So, okay, this was all about the class, today's class, okay. Sir, government company का example बताइए सर, जो हम लोग government company का example, इसमें तो मैंने नहीं लिखा है, notes में शायद लिखा हुआ है, एक मिनट में बताता हूँ।